Hello and welcome back to ATTV. So right now I'm here with Gumto Secondary School where Sarkar Aapke Dwar Yojana is taking place. Sarkar Aapke Dwar Yojana is conducted in every respective district in the first of every month. Sarkar Aapke Dwar is an initiative by the state government which aims to address the grievances of the common men while also launching new schemes as well. With that being said, let's take a glimpse of how the program is being conducted. जी हैं और मैं अरुणाचल कोऑपरेटिव एफएस बैंक से हूँ। मैं यहाँ पब्लिक का ये के लिए सर्विस के लिए आई हूँ और पब्लिक को मतलब बैंक तक जाना नहीं पड़े, पब्लिक का सामने पब्लिक का द्वार पे आई हूँ, सरकार आपके द्वार। और हम अपना बैंक के तरफ से ये LIC अवेयरनेस देने आई हूँ कस्टमर के लिए, LIC का अवेयरनेस देने आई हूँ और पोस्ट मशीन का अवेयरनेस देने आई हूँ। और बैंक अकाउंट अगर खोलना चाहेगा तो भी बैंक अकाउंट के खोलने के लिए भी आइए आप लोग, आप लोग का सामने में हम लोग आए हैं। 15 लोग अभी तक हम ये किए हैं, अकाउंट ओपनिंग किया है LIC का। मेरा नाम ताना मर्सी है, हम डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से है और मेरा डिजाइनेशन दीपियो है, दीपियो डिजास्टर है। तो हम लोग आज ये सरकार आपके द्वार में हम लोग ये पार्टिसिपेट कर रहा है कि कैसा हम लोग अपना लाइफ को सेव करना है ना, उसका विषय में हम लोग सेफ्टी टिप्स प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक को। वो है या में है आर्ट क्विक होने से कैसा बचना है, या में पूरा डिटेल्स है या में आप लोग पब्लिक लोगों को हम ये बोलता है कि आप लोग ले कर पढ़ना है। तो या में पूरा दिया है कैसा अपना लाइफ को बचाना है नेचुरल डिजास्टर होके, उसका बारे में हम लोग यहाँ में बोल रहे हैं। अलग अलग है यहाँ में, आर्टक्विक का है, प्लाट का है, फायर का है, और हाँ हम लोग ये एक्स ग्रेसिया का भी फॉर्म दे रहा है, जैसे कि कोरोना होके कोई डेड हो गया तो उसका भी हम लोग फॉर्म दे रहा है। तो गवर्नमेंट तरफ से उसको 50,000 देने के लिए वो है रखा है, जो कोरोना होके मरा है फैमिली में उसका बारे में हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करा है, सेफ्टी टिप्स दे रहा है, वही है। ये सरकार आपके द्वार CEO गुमटो का लीडरशिप में गुमटो ये अपर प्राइमरी स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग लाइसेंस को इशू करता है एंड देन रिन्यू करना उसका आज यहाँ ऑन द स्पॉट हम लोग कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग लाइसेंस, हम लोग जो कंसल्टेंसी जो है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में कैसा होना है, ट्रेडिंग लाइसेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेडिंग लाइसेंस को यूज़ करके कैसे बैंक लोन लिया जा सकता है, गवर्नमेंट का जो सप्लाई ऑर्डर्स को कैसे काम कर सकता है, कैसे वर्क ऑर्डर लेकर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कर सकता है, उसको आज हम लोग ऐसा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हम यहाँ में प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन ट्रेडिंग लाइसेंस के साथ हम लोग फिर एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी, उसके बाद एंटरप्रेनर से रिलेटेड भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज। ट्रेडिंग लाइसेंस अभी तक हम लोग मोर देन 20 जैसे एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर दिया और न्यू ट्रेडिंग लाइसेंस अभी 4-5 जैसे हम लोगों ने इशू कर दिया और कुछ हमने रिन्यू भी कर चुका है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ओर से टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस, कि सरकार खुद पब्लिक के घर, सरकार आपके द्वार ना, पब्लिक के द्वार में सरकार आ गए सारा सर्विसेज को लेकर। तो जो पब्लिक लोग हैं यहाँ का, वो लोग आकर यहाँ में जितना भी सर्विसेज है सबको अवेल करना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही एक फेस्टिवल सा एक माहौल है, आज सब एंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम RN किना, मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर UPI में पोस्टेड हूँ अभी। तो ये सरकार आपके द्वार के प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ आज यहाँ में है। तो हम लोग यहाँ में आने का मकसद वही है कि सरकार का द्वारा जो भी स्कीम्स मतलब जो पब्लिक को जो बेनिफिट्स देना है, वो बेनिफिट्स का जो बेनिफिशरी जितना मतलब स्टेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्टेट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हो, दोनों को हम लोग यहाँ में रख के, तो जो लोग नहीं जानता है
इन लोग को बताता है ये फैसिलिटीज मिलता है बोल के, तो फैसिलिटीज तो हम लोग यहाँ में पूरा बैनर में लगा के रख दिया। उसके बाद फिर जो फैसिलिटीज़ वगैरह जैसे प्री प्राइमरी स्कूल में जो मतलब मटेरियल्स जो यूनिफॉर्म वगैरह और टिफिन बॉक्स वगैरह, उसके बाद मतलब ये स्पोर्ट्स का आइटम जो जो हम लोग को जो मिलता है वो चीज़ को हम लोग यहाँ में डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करके मतलब बताया कि ये सरकार स्कूल में पढ़ने से ये सरकार का फैसिलिटीज मिलता है। उसका अलावा मतलब हम लोग यहाँ में इसलिए बेहतर है कि जो यहाँ का लोग मतलब आस पड़ोस लोग जो आके मतलब करियर गाइडेंस जो करियर का बारे में कुछ पता नहीं है, साइंस पढ़ने से क्या होगा, आर्ट्स पढ़ने से क्या होगा वो मालूम नहीं होने वाला, आके अगर करियर गाइडेंस उन लोग चाहेगा तो हम लोग करियर गाइडेंस देने के लिए तो आया था, लेकिन कोई भी टर्न अप नहीं हुआ पब्लिक यहाँ में ना, तो इसलिए हम लोग ऐसे सुबह से बेहतर है। तो प्रोग्राम तो काफ़ी लगभग अभी हम लोग तो और एक दो घंटा ही बाकी है, अभी तक तो पब्लिक लोग ट्रांस मतलब टर्न नहीं हो पाया मैंने, तो ये है। तो आज तो देखा है हम लोग का प्रोग्राम तो सक्सेसफुल है, मतलब जितना यहाँ तो सर्कल में पॉपुलेशन थोड़ा कम होता होगा इसलिए पब्लिक का टर्न अप थोड़ा कम है। मैसेज मैंने वही है हम लोग का, तो जो सरकार से जो फैसिलिटीज देता है वो चीज़ को हम लोग अवेयरनेस मतलब जो नहीं जानता है उसको बताता है। मतलब जैसे पब्लिक लोग ये सोचता है ना सरकार स्कूल में कुछ भी बेनिफिट फैसिलिटीज नहीं मिलता है बोल के, वो लोग बच्चा को सरकार का स्कूल में नहीं पढ़ा के पब्लिक का स्कूल में मतलब जो प्राइवेट स्कूल में वो लोग पढ़ाता है ना, तो वो चीज़ को हम लोग ये फैसिलिटीज सरकार से मिलता है वो चीज़ मतलब बताने के लिए। तो सरकार का स्कूल में इतना मतलब हाईली क्वालिफाइड टीचर क्वालिटी टीचर लोग होता है, फिर भी मतलब वो चीज़ को भी हम लोग अवेयरनेस देने के लिए मतलब, तो अगर उन लोग आके पूछता है तो हम लोग को ज़रूर बताएगा। फिर इतना बड़ा एरिया में घर घर में जाके तो हम लोग नहीं बता पाता है, तो इसलिए सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम का तहत वो सब जैसे करियर काउंसलिंग वगैरह मतलब वो स्कीम्स का वगैरह में मतलब बेनिफिशरीज का वगैरह वो सब बात को बताने के लिए हम तो चाहता है मतलब नेक्स्ट वाला सरकार आपके द्वार में तो पब्लिक का टर्न अप और ज़्यादा होने से ठीक है, मतलब बेनिफिट्स का बारे में वो लोग भी जाने, उन लोग का बच्चा को भी सरकार का स्कूल में भेजे, वही हम लोग का मेन मकसद तो वही है। अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं करते बिकॉज यहाँ में सबको पता तो नहीं होगा ना, जैसे कि आप बोले कि जगह इतना छोटा है, ऐसा जगह छोटा में सब हो जाते हैं। नहीं नहीं उसमें ऐसे है, देखिए हम लोग का अवेयरनेस में बहुत सा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जैसे मतलब बस्ती बस्ती में हम लोग का ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का तहत हम लोग हर स्कीम को उसमें भी हम लोग बताता है। हो सकता है उन लोग पब्लिक लोग पूरा अवेयर हो गया इसलिए आज शायद पूछने के लिए नहीं आया हुआ, वो भी है। हम लोग एक स्कीम होता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, उस स्कीम के तहत हम लोग बस्ती बस्ती में पंचायत में कम्युनिटी को पूरा गांव बुरा पब्लिक ग्राम मेंबर सबको गैदर करके वो अवेयरनेस देता है, ये स्कीम ऐसे है वो स्कीम ऐसे है, ये तो हम लोग करते रहता है। ये सरकार आपके द्वार में टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट भी अटेंड किया है, वी आर प्रोसेसिंग ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न फाइलिंग इन GST। पब्लिक को समझाता है कैसे GST रजिस्ट्रेशन करना है ये सब चीज़, और GST से क्या बेनिफिट होता है ये सब चीज़ सिखा रहा है। एंड एक्साइज में कुछ अभी गवर्नमेंट जो है रुका के रखा हुआ है क्योंकि एक्सेस वाइन्स ऑफ लाइसेंस हो चुका है, दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज स्टॉप द वाइन्स ऑफ इशुएंस ऑफ वाइन्स ऑफ लाइसेंस। अभी एट प्रेजेंट GST का कोई आया ही नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं ले, कोई आता नहीं, आदमी को बुलाने से भी ये लोग को पता नहीं है ना बस्ती वाला, स्पेशली देशुत कम ना वो ये चीज़ है। नहीं ये तो पहले से पता है कि राउंड तो कर ही रहा है पारे डिस्ट्रिक्ट, देशुत नो इत, स्पेशली CO मैडम तो अनाउंस कर चुका है पहले, तो इन लोगों को तो पता होना चाहिए। और स्पेशली यहाँ में तो जो मैंडेटरी GST रजिस्ट्रेशन है हिस और हर थ्रेशहोल्ड शुड बी अबव 20 लाख ना, तो ये बस्ती में तो 20 लाख का तो होता नहीं है, इसलिए शायद नहीं आता होगा, लेकिन दे शुड ऑल्सो डू वॉलंटियरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन कोई आता नहीं वही है। ये आज हम लोग का सरकार आपका द्वार है यहाँ, ये हम लोग का यहाँ ऑर्गेनाइज किया है गुमतो ये ME स्कूल में, तो हम लोग यहाँ में ये जो 7 SSGO मिला के जो हम लोग का एक BO बना है ये गुमतो आंतुलु, यहाँ में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि BO का तरफ से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ में हम लोग का अभी पोषण माह ये चल रहा है ना, तो उसको हम लोग साथ देते हुए
और जितना हम लोग का जो बगान में जो हम लोग वो सब्जी उगाता है, जितना भी वो सब्जी है फल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ करते हुए, तो हम लोग यहाँ में अपना व्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सरकार आपके द्वार में। तो यहाँ में जितना हम लोग सामान जो बेच रहा है वो जो सब ऑर्गेनिक है, खुद बागान से जो उगाता है वो सभी है। थैंक यू।